फ्रेंड्स, आज की मैथ की वीडियो में हम लोग सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की ये दूसरी वीडियो देखेंगे। पहली वीडियो में मैंने सिर्फ टेबल कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया और थोड़े बहुत उसमें क्वेश्चन बताए। तो आज से शुरू करते हैं इसका सेकंड वीडियो। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कहता है 8000 रुपये की पूंजी पर वार्षिक आधार पर परिकलित 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? आपको रेट निकालना है, मूलधन मालूम है और ये चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है। तो अगर आप मिश्रधन निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, मूलधन में सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम इसे ऐड कर देंगे, तो 9261 ये जो हो गया क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अब इस पे पुट करके हम इसे निकाल सकते हैं, मिश्रधन बटे मूलधन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं और इक्वल टू 1+R/100 पर पावर हो जाएगा टी। मिश्रधन कितना है, 9261 और बटे कितना दिया गया है, मूलधन 8000 रुपया और 1+R, R का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पे 100+R/100 कर सकते हैं हम। टाइम कितना दिया गया है, 3। अब एक चीज आप याद रखें इस तरह के क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे इसकी पावर 3 दी गई है तो ये कंफर्म है कि ये दोनों भी किसी ना किसी का क्यूब ही रहा होगा, क्योंकि तभी ये क्यूब और क्यूब कट जाते हैं और फिर हम आगे आर का मान निकाल सकते हैं। तो नीचे तो आप देखिए ये कितना 20 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है और 9261 जो है ये आपका 21 का क्यूब है। अब इसका क्यूब लिख देंगे हम, इक्वल टू 100+R/100 पर पावर क्यूब, ये कट जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए 20 से कट कर सकते हैं 5 टाइम में, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा, इक्वल टू 100+R। R का मान अब कितना हो जाएगा, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो रेट कितना निकल गया, 5% निकल गया इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं, कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 16 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है? देखिए, मान लिया जाए कि मूलधन जो था x मान लीजिए या p कुछ भी मान लीजिए और 16 गुना हो जाता है, इसका मतलब है कि वो क्या है, मिश्रधन है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 16p हो गया। अब इसमें भी आपको रेट ही निकालना है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे मिश्रधन और बटे मूलधन इक्वल टू 1+R/100 पर पावर टी। ओके, अब मिश्रधन है आपका 16p, मूलधन आपका p दिया गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं 100+R/100 और t कितना दिया गया है, 4। अब ये p और p कट गया, अब यहाँ पे भी देखिए ये अगर 4 है ना तो इसकी भी पावर 4 ही होगी, तो ये 4 पावर कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और 100+R/100 की पावर 4, ये कट गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 और फिर ये इधर आके माइनस में हो जाएगा तो -100, ये निकल गया आर का मान, ये कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 5000 रुपया और 4 वर्ष के बाद 8450 रुपया हो जाता है तो दर प्रतिशत प्रतिवर्ष क्या होगी? तो इसके लिए सबसे सिंपल वे में आप निकाल लीजिए, जो ज्यादा वाला अमाउंट है हम उसे ऊपर रखेंगे और जो कम वाला अमाउंट है हम इसे नीचे रखेंगे। ओके, अब इसकी पावर क्या करेंगे, 1/T1-T2 कर देंगे, तो 4-2 हो जाएगा, एक 4 साल और एक 2 साल दिया गया है। अब इसमें -1 कर देंगे और फिर उसे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे जब आपको रेट निकालना हो तो। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान में रखिए कि ये सब क्या है कि इससे आप सॉर्ट कर सकते हैं, 1/4-2 करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, आपके पास हाफ बच जाएगा। अब हाफ बच गया तो ये बातें तो कंफर्म है कि ये जो है किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, तभी जब स्क्वायर करेंगे तो ये कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसे कट भी कर सकते हैं 5 से, तो 1000 टाइम में कट जाएगा और ये कितने टाइम में कट जाएगा, 1690 टाइम में कट जाएगा। ओके, एंड ये 0 और 0 हो जाएगा कैंसिल। अब आप देख सकते हैं कि ये 13/10 का हो गया स्क्वायर और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4-2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2-1/100। अब ये और ये कट गया ना, अब 13/10 और माइनस है 1, इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 10
तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, 13 में से 10 जाएगा, बचेगा 3 इंटू 100, ये कट हो जाएगा 0 0, तो 30% इसका आ जाएगा आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में हो जाता है 2820 रुपया और 4 वर्ष में हो जाता है 12005 रुपया। तो मूलधन, पिछले वाले क्वेश्चन में रेट निकाला था हमने, यहाँ पे मूलधन पूछा गया है। तो एक चीज याद रखिए, जब समय 2 वर्ष और यहाँ पे दिया गया 4 वर्ष, जब समय दोगुना हो ना और मूलधन पूछा जाए, तो सीधा याद रखिए कम का स्क्वायर और बटे ज्यादा, ये डायरेक्ट आपको मूलधन निकल जाएगा। तो कम क्या है 2820 और गुने 2820 और बटे कितना हो जाएगा 12005। इसे जब सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 6480, इतना रुपया हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। किसी राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 270 रुपया और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया, तो रेट निकालना है आपको। देखिए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है 270 रुपया, तो साधारण ब्याज तो हमेशा इक्वल ही होता है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 रुपया। ओके, अब यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, और चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज सेकेंड ईयर तक का ही है, थर्ड ईयर आप लिख भी सकते हैं, इसका कोई यूज भी नहीं होगा। ऐसा ही जो है प्रत्येक साल क्या होगा, 90 90 ही होगा। अब देखिए, तीनों को जोड़िएगा तो 270 रुपया आ गया ना कुल एसआई 3 वर्ष का। अब सीआई भी क्या होता है, फर्स्ट ईयर का सीआई और एसआई दोनों इक्वल होता है, तो फर्स्ट ईयर का सीआई भी क्या होगा, बराबर ही होगा। अब जब पहला साल 90 रुपया हो गया और टोटल 2 साल में 210 रुपये हैं, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब आप इसे माइनस करेंगे तो 120। ये कैसे पता चला, देखिए 2 साल का सीआई 210 है, जिसमें 1 साल का 90 है, तो दूसरे साल का कितना रहा होगा, 120 ही रहा होगा। यहाँ पे देखिए तो वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि देखेंगे तो कितने की, 30 की हुई है। वृद्धि हमेशा किस पे, कम पे ना, मल्टीप्लाई 100। इसे कट कर दें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 33.1%, यही हो गया इसका रेट। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 340 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 357 रुपया, तो वह धन क्या है। सेम क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 340 रुपया है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 340 और बटे 2, यानी कि 170 रुपया हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, एस आई हमेशा इक्वल 170 और दूसरे साल भी 170, यानी कि देखिए टोटल 340 रुपया हो गया। सी आई भी पहले ईयर का बराबर ही होगा एस आई के, और टोटल जो सी आई दिया गया है कितना है, 357। अगर 357 है टोटल, जिसमें से कि 1 साल का 170 है, तो दूसरे साल में कितना लगेगा, तो 187 लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि हुई है 17 के, वृद्धि हमेशा कम पे, मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट हो जाएगा, 17 17 कट, 10% हो गया इसका रेट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर से 4 वर्ष में 2.7 गुना और 7 ईयर में 6.4 गुना हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, पिछले क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट बताया है आपको, एक दो क्वेश्चन के पहले, कि जैसे रहता है कि 4 वर्ष में कोई धन इतना हो जाता है, 7 वर्ष में इतना हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं देखे इतना गुना हो जाता है ऐसा कहा गया है, लेकिन फिर भी है तो ये मिश्र धन ही ना, कि अगर मूलधन रहा होगा पी, तो ये 2.7 पी हो गया, तो ये भी मिश्र धन और ये भी मिश्र धन है। तो हमने इसके लिए क्या कहा, बड़ा वाला अमाउंट ऊपर और छोटा वाला नीचे रखना है, और पावर 1/7 -4 रखेंगे, -1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो निकल जाएगा क्या, रेट। अब यहाँ पे पॉइंट और पॉइंट हटा सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने पहले भी कहा था आपको, यहाँ पे 1 बाय कितना आ जाएगा।